अभी तक हम आपको इरिगेशन से रिलेटेड आपका क्लास ले रहे थे, और अब इरिगेशन में न्यूमेरिकल रह गए हैं। तो न्यूमेरिकल जब मैं आप लोग को प्रैक्टिकल कराना शुरू करूंगा, प्रैक्टिकल में न्यूमेरिकल जैसे मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के न्यूमेरिकल और इरिगेशन के न्यूमेरिकल, किचन गार्डन के न्यूमेरिकल, ये सब आपके न्यूमेरिकल जो है वो प्रैक्टिकल जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तब फिर आपको कराऊंगा। तो अभी आपका इरिगेशन का चैप्टर समाप्त हो चुका है, आज से हम शुरू करेंगे ड्रेनेज, जल निकास। जल निकास को आज हम शुरू करते हैं, हम इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले जानेंगे, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। पहले बात तो ये है कि हम सिंचाई क्यों करते हैं, पौधों के उचित बढ़वार के लिए। जब पानी की कमी होती है और ऐसा मौसम नहीं होता कि उसमें वर्षा हो, क्योंकि अनिश्चित और अनियमित वर्षा का हमारा देश, लगातार वर्षा नहीं होती, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम कृत्रिम रूप से जो पानी देते हैं उसको हम सिंचाई कहते हैं, हमने आपको पहले ही बताया। तो जिस रीति से पानी की कमी को हम सिंचाई द्वारा हम पूरा करते हैं, उसी तरीके से गलत तरीके से की गई सिंचाई के द्वारा या एक अत्यधिक वर्षा के द्वारा खेत के अंदर पानी के इकट्ठा हो जाने की वजह से पौधों की बढ़वार में कमी आती है, तो हमको इस एक्स्ट्रा वाटर को, अतिरिक्त जल को जो कि हमारे पौधों के लिए आवश्यक नहीं है, उसको निकालने को हम जल निकास कहते हैं। यानी फसल की पैदावार बढ़ाने हैं तो भूमि की सतह या अधोसतह से आवश्यकता से अधिक या अतिरिक्त जल जिसको हम कहते हैं, उसको खेत से बाहर निकालने की क्रिया को ही जल निकास कहते हैं। इससे क्या नुकसान होता है? इससे नुकसान ये होता है कि रंध्रावकाश यानी पोर स्पेसेस में पानी भर जाता है, और उसके भर जाने की वजह से पौधे सांस नहीं ले पाते, श्वसन संबंधी उनको समस्याएं होती हैं। हमारे जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं, जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन पानी की वजह से उनको भी दिक्कत होती है, वहाँ प्रॉपर तरीके से वो कार्य नहीं कर पाते हैं, और एरेशन में जो प्रॉब्लम आती है, जो ज़मीन के अंदर पाई जाने वाली वायु होती है वो पौधों के लिए अनिवार्य है, और इस एक्स्ट्रा पानी लग जाने की वजह से हम उस वायु से पौधे वंचित रह जाते हैं, और उसकी वजह से पौधों की बढ़वार पर बुरा असर आता है। भूमि में अपर्याप्त जल निकास से भूमि की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक सभी दशाओं में परिवर्तन होता है। यानी कि भौतिक, रासायनिक और जैविक सारी दशाओं में अंतर आ जाता है, और पौधे की बढ़वार हर एक रीति से चेक कर जाती है, जिस तरह से उसको बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाता। भूमि ठंडी हो जाती है, और जैसे कि एक जो टेम्परेचर पौधों को चाहिए होता है वो दिक्कत होती है, क्योंकि वाटर लॉगिंग एरिया में जहां कहीं भी वाटर लॉगिंग होता है वहां पानी बराबर लगा रहता है, और ये एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि जहां कहीं पर भी वाटर लॉगिंग होगी वो भूमि भीगी, अपेक्षाकृत ठंडी होती है, और उसके ठंडा होने से होता है क्या है कि पौधों को प्रॉपर अपने फूड बनाने में, मतलब इनटेक करने में दिक्कत होती है, और ज्यादा अगर पानी भरा है तो भूमि लवणीय हो जाती है, और वो उसका पानी अगर हम उसमें से ना निकालें, अगर लीच डाउन नहीं हो रहा है, अगर नीचे कड़ी परत है और पानी बाहर ना निकाला जाए, तो मृदा हमारी खराब हो जाती है। तो हमको चाहिए कि जितना भी हमारी खेत के अंदर पानी की आवश्यकता है उतने ही पानी को हम खेत में लगा रहने दें, उससे ज्यादा अगर हम पानी खेत में लगा रहने देते हैं
तो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचता है। उस एक्सेस वाटर को अपने खेत से बाहर निकालना हमारे लिए अनिवार्य है और इस प्रक्रिया को ही हम जल निकास कहते हैं। और ये बेसिकली इस जल निकास वाली जो प्रॉब्लम आती है या तो नदी के किनारे के खेतों या नहर के किनारे के खेतों, जैसे कि गंगा सिंधु का समतल मैदान है, उसके बाद समुद्र के तटवर्तीय इलाके हैं, नहरों के किनारे के क्षेत्र जो है पंजाब हरियाणा का के नहर सिंचित क्षेत्र के में, ये सब प्रमुख हैं जहां पर ड्रेनेज पानी जो है नदियों से या नहरों से सीपेज के द्वारा नहर से बाहर आता है और उसके आसपास के इलाकों को वाटर लॉगिंग की स्थिति में लेकर के आ जाता है। मृदा उर्वरक होने के बावजूद भी इस वाटर लॉगिंग के कारण फसल उगाने के योग्य नहीं रहती, तो हमको इस पानी को निकालने के द्वारा ही हम अपनी खेती को सुचारू रूप से कर सकते हैं। अब इसमें यह हुआ कि जल निकास की समस्याएं क्या क्या हैं, किन किन कारणों से होती है जल निकास की समस्या, तो उसमें कई एक कारण है। एक है कि अगर हमारे सब सॉइल में अगर कठोर परत है, कंकड़ अंकड़ की परत है, तो पानी नीचे की तरफ तेजी के साथ नहीं जा पाता, पानी ऊपर ही रुक जाता है, तो मतलब कि लीच डाउन नहीं होता, पानी निश्चालन नहीं होता। जब निश्चालन नहीं होता, पानी का नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट, परकोलेशन जिसको कहते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, वो नहीं होता, तो जिसकी वजह से पानी ऊपर की सतह पे एकत्रित हो जाता है। दूसरा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां जल निकास छोटे छोटे नाले और नालियों के द्वारा सीमित हो जाती है, तो वहां पर पानी एकत्रित हो जाता है। फिर निचले स्थानों में वर्षा ऋतु का पान में पानी भर जाता है, या सिंचाई के तुरंत बाद वर्षा होने पर एक्स्ट्रा पानी खेत में लग जाता है, हमारी निकास की समस्या हो जाती है, हम उतना पानी नहीं निकाल पाते, पानी खेत में लग जाता है। फिर जिन क्षेत्रों में उच्च जल मांग यानी कि हाई वाटर टेबल पाया जाता है, वहां भूमि दलदली हो जाती है। हाई वाटर टेबल यानी कि पानी भूमि से बहुत नीचे नहीं है, उसकी सतह पर ही है और जरा से उसमें पानी जो है ऊपर आ सकता है और वो जो है हमारे खेत को दलदली बना देता है। फिर नहरी क्षेत्रों में जहां किनारे में खेत वाली होती है, वहां पर बराबर सीपेज होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि नहर से सीपेज का पानी बाहर निकलता है और बराबर आसपास के खेतों को इस योग्य कर देता है, जिसकी वजह से उसमें पानी भरा रहता है और वो इस योग्य नहीं रह जाती कि उसमें हम खेती कर सकें। फिर चिकनी और भारी मिट्टियों में पानी में आप जानते हैं उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, उसमें हम पानी भर देते हैं तो काफी लंबे समय तक टिका रहता है। तो जब हम कम मात्रा में भूमि शोषित करती है पानी को, क्योंकि वो अपने अंदर वो स्टोर कर लेती है, नीचे तक जाता नहीं है, तो अधिक मात्रा में एकत्रित पानी जो है वहां पर रुक जाता, जैसे कि आप धान की फसल में देखते हैं, जबकि हमको वहां पर पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, भारी भूमि में हम बोते हैं, वहां पानी एक लंबे समय तक टिक जाता है। तो इस तरीके से अगर हम लगातार सिंचाई करते रहते हैं तो पानी वहां लग जाता है, उस लगने की वजह से वो खेत इस योग्य नहीं रह जाता कि उसमें हम खेती कर सके। और फिर लवणीय भूमियों को सुधारने के लिए जल निकास की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जानते हैं वाटर लॉग्ड एरिया, जहां कहीं भी वाटर लॉगिंग है, उसके अंदर जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो घुल करके पानी के अंदर स्थिर रह जाते हैं और इवेपोरेशन अगर वो नहीं करते हैं, अगर क्या कहते हैं जल निकास का हमारा व्यवस्था उचित नहीं है, तो इवेपोरेशन के थ्रू अगर जो पानी निकलता है, इवेपोरेट होता है, लवण वहीं रह जाते हैं। और ना हो अगर नीचे कड़ी परत होने की वजह से लीच डाउन नहीं होता, हम प्रॉपर ड्रेनेज नहीं करते, तो हमारा खेत लवणी ही रहेगा, सेलाइन सॉइल सेलाइन ही रहेगी, उसके अंदर हम उसका रिक्लेमेशन उसमें हम नहीं कर सकते कि हम कर सोचें कि हम उसकी फ्लडिंग कर दें, फ्लडिंग करने के बाद उसको ड्रेन आउट कर दें उस पानी को, ताकि उसके साथ जितना भी सॉल्ट घुला है वो घुल करके उसके साथ बह जाए। इसके लिए हमको क्या कहते हैं जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें
तो दूसरे अन्य कारण भी हैं कि जल का अनुचित प्रयोग से भी यह समस्या उठ खड़ी होती है। एक्स्ट्रा हम इरिगेशन कर देते हैं, अनुचित उपयोग कर देते हैं, ओवर हम इरिगेट कर देते हैं अपने प्लॉट को, तो वहाँ पर अधिक नमी लग जाती है, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर हम ड्रेनेज ना रखें तो उसमें नुकसान हो जाता है। फिर जल के क्षरण को कम करने के लिए जल निकास, जल क्षरण का मतलब कि मृदा में वाटर इरोजन, मृदा में पानी द्वारा कटाव को रोकने के लिए भी हमें ड्रेनेज की जरूरत पड़ती है। और अधिक पानी की उपस्थिति में प्रभावित होने वाली फसल जैसे कि मक्का है, बाजरा है, उर्द है, मूंग है, आपका चना है, मटर है, ऐसी फसलें जो ज़्यादा पानी नहीं चाहती, अगर उसमें पानी लग जाता है तो ड्रेनेज के बगैर हम उसको हम प्रॉपर बढ़वार नहीं दे सकते, ना ही हम प्रॉपर पैदावार उसकी ले सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। कल हम आपसे बात करेंगे कि अत्यधिक जल से हानियां क्या क्या होती हैं।